हेलो एवरीवन, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स 90 न्यूटन अलोंग एंड नॉर्मल टू प्लेन ए बी। ये चीज पकड़िएगा, अलोंग एंड नॉर्मल टू प्लेन ए बी, यानी इस प्लेन के अलोंग में और नॉर्मल में बोल रहा है। कैसे निकालोगे, तो अलोंग हो गया ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है ये अलोंग हो गया, ये अलोंग हो गया, और नॉर्मल जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहां से ये 90 डिग्री। समझ लो ये आपका क्या है, अलोंग और नॉर्मल। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये ए बी के साथ ये 40 डिग्री बनाया हुआ है, अब इसे नाम दे देते हैं ये पॉइंट बी और ये है बी। तो ये जो हो जाएगा कॉम्पोनेंट, इस फोर्स का हम नाम देते हैं 90 न्यूटन और ये अपना क्या है एफ के बराबर। तो होगा क्या, कॉम्पोनेंट ऑफ एफ अलोंग ए बी तो क्या हो जाएगा, यानी एफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ए बी के साथ ये फोर्स कितना एंगल बनाया ना 40, तो क्या हो जाएगा एफ कॉस 40, क्योंकि इसके साथ 40 डिग्री बनाया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना आंसर। तो इसे हम लिखेंगे क्या 90 × cos 40, तो आप इसे कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह कंपोनेंट ऑफ एफ नॉर्मल टू ए बी बोले तो अपने को ईडी पूछ रहा है, यानी एफ ईडी आपका ए बी के नॉर्मल है, तो ये क्या जाएगा एफ, इसके साथ 40 बनाया है तो ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो एफ साइन 40 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 90 साइन 40 ये आपका क्या है ना आंसर। ठीक।